जैसलमेर के प्रगतिशील किसान ने बदली सोच तो बदले हालात, खेती के साथ किया पशुपालन का काम शुरू। जैसलमेर के गांव डेडा के किसान ने परंपरागत खेती के साथ साथ कुछ लीक से हटकर करने का भी सोचा। बाजरा, गेहूं और मूंग जैसी फसलें उगाने वाले किसान गणपत सिंह ने पशुपालन को भी अपनाया। सरकार की ओर से वर्ष 2021 में कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु आत्मा योजना के तहत 25,000 रुपए व प्रमाण पत्र देकर भी सम्मानित किया गया। आज क्षेत्र में उनकी पहचान उन्नत व तकनीकी किसान गणपत सिंह के नाम से है। गणपत सिंह बताते हैं उनके पास गाय भैंस के अलावा मुर्गी पालन व भेड़ बकरियां का भी व्यवसाय है, जिससे उनकी आमदनी होती है तथा उनसे अच्छी घास होती है जो खेती में काम आती है। गणपत सिंह आज 200 बीघा में खेती करते हैं, जिसमें चना, सरसों, जीरा, बाजरा, मोठ, मूंग, ग्वार की खेती करते हैं। जैसलमेर से प्रताप प्रजापति की रिपोर्ट, न्यूज 18। कृषक खेती भी कर रहे हैं, पशुपालक भी है, गाय है, भैंस है, घोड़ा है, बकरी है, भेड़ है, मुर्गा है। किसान कृषि भी कर रहे हैं, चना रबी फसल में चना बोए, सरसों बोए, गेहूँ बोए, बरानी फसल में ग्वार है, बाजरी है, ये बोए। किसान केंद्र ने मेरे को सम्मानित भी किया है, 25,000 रुपये इनाम दिया है। और हर कृषक मंडी मीटिंग में मैं जा भी रहा हूँ, अभी 27 तारीख को मीटिंग में वहीं भी गया था। और कोई योजना के पता उसमें कोई पता नहीं है, क्या योजना है बताया, वो कोई लाभांश नहीं हुआ। फिर भी ये कृषि मंडी और अच्छे भी हमको 29 बीज भी हमके कई साल दिया था, चना वो बहुत 29 बीज था, गेहूँ तक नहीं दिए थे, चने दिए थे, सरसों भी दी थी किसको, बहुत अच्छे थे 29 बीज है। पहले तो हमारी वो बीज हमारा बीज बैठ लेता तब उनकी हुई थी 20 बोरी, अब के वो बीज बाया हुआ 30 बोरी, बहुत अच्छे बीज था। उन बीज को हमने भी रखा है, अभी अगले साल यही बोएंगे।